बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 5 का जो पाठ 12 है गुरु और चेला उसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या है, जो कि एक गुरु, आपने आपको याद होगा कि मैंने आपको ये कविता पढ़ाई थी गुरु और चेले की है। जब वो जाते हैं एक नगरी में, वहाँ पर वो पूछते हैं कि इस नगरी का नाम क्या है, यहाँ के राजा का नाम क्या है, तो उनको बताया जाता है एक ग्वालिन के द्वारा कि ये अंधेर नगरी है और यहाँ का अनबूझ राजा है। और वो जो है बस नाम जानकर ही जो गुरु है वो कहता है यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। परंतु जो उसका चेला होता है वो अपने गुरु की बात नहीं मानता और वहीं पर वो रुक जाता है और गुरु वहाँ से चला जाता है। फिर उस चेले के साथ जो घटना घटती है और आखिर में वो गुरु ही उसको बचाने के लिए वहाँ पर आता है। तो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर क्या है। पहला प्रश्न है इसमें, टका पुराने ज़माने का सिक्का था, अगर आजकल सब चीज़ें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फ़ायदे और नुकसान होंगे। तो टका एक मुद्रा का नाम है और ये बहुत पहले चलता था। तो यदि अगर ऐसा हो जाए कि हर चीज़ एक मतलब एक टके में ही या 1 रुपये किलो में ही हर चीज़ मिलने लगे तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। पहले तो उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए हर आदमी सक्षम होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, तो अमीर गरीब का जो भेदभाव है वो मिट जाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा इससे, इससे नुकसान होगा कि हमारा जो बाज़ार है वो मंदा पड़ जाएगा और जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो गड़बड़ा जाएगी। प्रश्न 2 है, भारत में कोई चीज़ खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। तो रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं, नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड। तो आपको इनकी मुद्राओं के नाम बताने हैं। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो दीनार है, जापान की मुद्रा का नाम है येन, फ्रांस की मुद्रा है यूरो, इटली की मुद्रा भी यूरो ही है और इंग्लैंड की जो मुद्रा है उसका नाम है पाउंड। तो इनको याद कर लीजिएगा। अब देखिए इससे आगे जो है कि इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके लिए आपको इस कविता का जो सारांश मैंने आपको समझाया था वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए प्रश्न 2 इसका आगे है, क्या तुमने कोई ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो ये आपको खुद करना है बच्चों। इसके बाद है प्रश्न 3, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो, जैसे सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। तो सड़कें के बारे में कि सड़कें अंधेर नगरी में सड़कें चमकदार थीं, बाजार यानी अंधेर नगरी के बाज़ार में सब चीज़ें टके शेर में बिकती थीं, राजा का राजकाज यानी अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था इसलिए उसका राजकाज सही नहीं था, प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा से मुक्ति वो चाहती थी। आगे है प्रश्न, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो जैसा आपने कविता में पढ़ा, अगर ऐसा कोई देश है तो क्या उसको अंधेर नगरी कहना उचित होगा? हाँ, ऐसे देश को ही तो अंधेर नगरी कहते हैं क्योंकि इस नगरी का राजा जो था वो पूरी तरह से मूर्ख था। उसे कोई भी कार्य ठीक से करना नहीं आता था, उसे कोई भी निर्णय सही लेना नहीं आता था, वो निर्दोषों की जान ले लेता था और दोषियों को छोड़ देता था। तो उसे यह भी पता नहीं था कि सही क्या है, गलत क्या है, किसे सजा देनी चाहिए, किसे शाबाशी देनी चाहिए। उसके राज में प्रजा काफ़ी दुखी रहती थी, तो इसलिए हर कोई उस राजा से, उस मूर्ख राजा से मुक्ति चाहता था।
प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो क्यों खुश हुई वो? तो मूर्ख को कोई भी अपना राजा नहीं बनाना चाहता और वो हमेशा लोगों की परेशानी का कारण बनता है। अंधेर नगरी की जो प्रजा थी वो राजा के मरने के लिए इसलिए भी खुश हुई क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मूर्ख था और उसके मरने से उसकी वर्षों की जो तमन्ना थी प्रजा की, जो चाहते थे कि किसी तरह से मरे, वो उनकी पूरी हो गई थी। तो वे राजा की मूर्खतापूर्ण और शासन व्यवस्था से बहुत ज़्यादा दुखी थे। अंत में उनके दुख का जो अंत था वो हो गया, तो इसलिए सभी जो है बहुत ज़्यादा खुश थे। दूसरा खेमे पूछा है कि यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? तो उन्होंने खुद उनको क्यों नहीं हटाया होगा? उन्होंने ऐसा राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो काम करना बहुत आसान नहीं था, है ना। किसी भी देश के राजा को हटाना प्रजा के लिए आसान थोड़ी होता है, बल्कि संभव ही नहीं होता कि वो हटा पाए। तो क्योंकि अगर उसको पता चलेगा उसके विरोध कोई भी कुछ कार्य कर रहा है तो वो उसको भी फांसी पर लटकवा देता, तो इसलिए कोई भी हिम्मत ही नहीं कर सकता था उसके विरुद्ध कुछ भी करने की। और सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो समझदार होता और जो सही सलाह देता, तो ऐसे किसी व्यक्ति के साथ एकजुट होना पड़ता। और एकजुट प्रजा का होना तो आपको पता ही है कि कितना मुश्किल है प्रजा को या कहीं भी किन लोगों को एकजुट करना, तो एक बर्तन में सारे मेंढकों को बिठाने के बराबर है, एक बिठाओगे दूसरा कूद जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। और यदि काम हो भी जाए तो उसके लिए बहुत समय लगता। गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। गुरुजी ने क्या बात कही थी? तो क्या कहा था गुरुजी ने? गुरुजी ने कहा था कि यह मुहूर्त जो है वो फांसी पर चढ़ने के लिए बहुत ही शुभ है, और इस शुभ मुहूर्त में जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह क्या बनेगा? चक्रवर्ती राजा, और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र यानी मुकुट होगा। और इसी लालच में जो है वो मूर्ख राजा फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी? तो बिल्कुल भी नहीं, वो बात बिल्कुल भी सच नहीं थी। लेकिन उन्होंने किस लिए कही? अपने निर्दोष चेले को बचाने के लिए और उस मूर्ख राजा को निपटाने के लिए। तो राजा मूर्ख था ही, इसलिए उसने गुरुजी को बात को सच मान लिया कि गुरुजी तो झूठ ही बोलते हैं। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। ऐसा करने से उन्होंने अपने केवल अपने निर्दोष चेले की ही जान नहीं बचाई, बल्कि जो सारी प्रजा थी, सारी नगरी की जो प्रजा थी, उनको उसने उसके अत्याचारों से बचा लिया था। तो प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी, उनकी तो इच्छा पूरी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती, राजा गुरुजी की बातों में ना आता, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पीली थी, पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता? तो यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो उसे ही फांसी पर चढ़ा दिया जाता, और यदि राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो वो जीवित रहता और उसकी शासन व्यवस्था डगमगाती हुई चलती रहती जैसे चल रही थी, और साथ ही चेले को भी फांसी दे दी जाती। इसके बाद है शब्दों की छानबीन में कि नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, और जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। तो इनमें रेखा तो नहीं खींची हुई है, लेकिन जो कुछ शब्द हैं उनको पूछा गया है कि उनको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो। जैसे न जाने की अंधेर हो कौन छन में, तो छन को हम क्या बोलते हैं? क्षण। गुरुजी ने कहा तेज ग्वालिन न भुगरी, तो भग मतलब भागना, भाग। तो इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, तो घनी का मतलब, घनी को हम क्या बोलते हैं? गहरी। और ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी, बिरानी का मतलब यानी किसी दूसरे की पराई, कि ये गलती मेरी नहीं है, ये किसी दूसरे की गलती है। ने ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी, तो मुहूर्त मतलब मुहूर्त। आगे देखिए, चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है
तो नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और नीचे दिए गए वाक्यों में उन्हें भरो। तो जैसे आंधी के कारण पेड़ से क्या आएगा इसमें, पटापट फल गिर रहे थे। हंसा अपना सारा काम, इसमें क्या आएगा, तो हंसा अपना सारा काम कैसे कर लेती है, हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है। आज रहमान ने खाली स्थान सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है, तो सफ़ेद कुर्ता पजामा को हम क्या कहेंगे, कैसा है, झकाझक, कि आज रहमान ने झकाझक सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने खाली स्थान फिर सारे लड्डू खा डाले, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, चटपट, यानी उस भुक्कड़ ने चटपट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर कैसे हो गए हैं, चकाचक, कहते हैं ना किसने तो एकदम ऐसे बर्तन मांजे कि चकाचक कर दिए, तो इसमें आ जाएगा सारे बर्तन धुलकर चकाचक हो गए हैं। तो बच्चों ये थे आपके पाठ के गुरु और चेला के प्रश्नोत्तर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।